हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हरदोई इज रेनिंग गाइस, वो भी बहुत ही जोरों से पानी बरस रहा है यार। सुबह सुबह एक घंटे से ये बरस ही रहा है। तो बस बिल्कुल मेरी आँख खुली एंड पानी की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरी आँख ही खुल गई और बहुत ही मस्त पानी बरस रहा है गाइस। ये लो, इधर बालकनी में पूरा पानी भर गया, पूरा पानी। बरसते हुए पानी में हमारे घर के कपड़े सूख रहे हैं, जलवा है हमारा यहाँ। इनका पार्सल भी आ चुका है, ये देखिए, मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या है। ये है पार्सल, ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है। जय शिया राम। तो गाइस, हम नहाने क्या गए एंड अभी आपने देखा कि गुनगुन भी जो है धीरे धीरे व्लॉगिंग सीख रही है। सो ये आया हुआ है, बहुत ही पतला है, अब इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। और इस पर जय श्री राम जो है बासु आदा ने लिखा है। और आज यार अपने यहाँ अमर उजाला आया है। वैसे तो अपने यहाँ दैनिक जागरण आता है, बट पता नहीं वो आज अमर उजाला फेंक गया है। वैसे तुम लोगों के यहाँ कौन सा पेपर आता है, नीचे कमेंट करके बताओ। तो पानी बंद हो गया है एंड थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो चलो अंदर चलते हैं गार्डन में। ये लो, अब जो है पानी और आगे बढ़ाया है, अपनी पहली पैकरिया भी इसमें जा चुकी है एंड नींबू का पेड़ भी डूबने वाला है, ये सब पानी में ही जा रहा है। तो गाइस, आज की तो बड़ी न्यूज़ यही है कि जो लंदन में ओलंपिक होने वाला है तो वो शायद रद्द हो सकता है, क्योंकि सारी टीमें तो वहाँ पहुँच चुकी हैं, बट वहाँ पर जो है 7 जो एथलीट हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं एंड उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है उनकी भी अभी टेस्टिंग होने के लिए गई है। देखो पता नहीं कितने ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, तो जहां तक कैंसिल हो सकता है इस साल ओलंपिक। एंड गाइस, अगर आप अपना आधार कार्ड का नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो अब आपको आधार केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है एक नई सुविधा लाई है, इस सुविधा में जो पोस्टमैन होता है वो आपके घर खुद आएगा एंड आपके घर आके आपका आधार नंबर अपडेट करेगा। और गाइस, अगर आप भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐप से, तो आपके लिए शायद ये बुरी खबर है एंड हमारे लिए भी बुरी खबर है। तो बुरी खबर ये है कि जो ई कॉमर्स कंपनी जो हम लोगों को छूट देती हैं, तो सरकार जो है उस छूट को बंद करने वाली है। 2020 में ई कॉमर्स नियम में संशोधन किए गए थे, उसी की वजह से शायद जो है अब जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो छूट जो है नहीं दे पाएंगी। पर अभी जो है हम पक्का नहीं कह सकते कि ये जो नियम है लागू हो जाएगा, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं इस नियम को आए हुए, बट अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं है। एंड अभी सर्वे भी हुए थे, तो सर्वे ने ज़्यादातर लोगों ने 80% लोगों ने बोला था कि ये नियम ना लागू हो, ऐसे मतलब कि उन लोगों को घाटा होगा। तो अगर ये नियम लागू होगा तो आप लोगों पर इसका फ़र्क पड़ेगा कि आप भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। वैसे आप कौन से ऐप से सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। गाइस ये देखिए, प्लॉट में मुझे क्या मिला, क्या आप इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं? अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो गाइस बता दूं, ये फ़ोटो मेरी ही है। हाँ गाइस, ये फ़ोटो मेरी है, जब मैं 8 या 9 साल का होऊंगा ऐसे ही, तब किसी के लिए कपड़े आए थे घर में किसी लड़की के लिए एंड मेरे को पहना के सागर दादा ने ये फ़ोटो खिंचाई थी जाके, पूरा लड़की की तरह तैयार करके। भाई साहब, किचन में तो आलू उबाले जा रहे हैं। इसका मतलब गाइस, शाम को कुछ बिल्कुल मस्त चीज़ बनेगी और हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके बनाएंगे। फिलहाल तो चलो चलते हैं, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं चल के। तो गाइस, इसमें जो है वेस्ट बैग है, मैंने परसों ही रात में ऑर्डर किया था एंड आज सुबह आ भी गया, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। अनबॉक्सिंग में कुछ था ही नहीं गाइस, बस ऊपर से जो थी इसकी पॉलिथीन फाड़े एंड निकल आया। तो ये है पूरा बैग, चलो इसको भी खोलते हैं। कहाँ से खुलेगा, ऊपर से। गाइस ये जो पॉलीथीन खोलने में मेरे को इतनी ज़्यादा मज़ा आती है कि क्या बताऊँ। मस्त पैकिंग कर रखी है वैसे तो इसकी। क्या यार, कैसी पैकिंग है। ओके, सो ये रहा हमारा बैग जो कि है निसन कंपनी का। गाइस 1 साल की वारंटी है जी, इस वेस्ट बैग की 1 साल की वारंटी है।
तो ये बैग जो था मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आपने देखा होगा जब मैं पुआए भी गया था, पुआए में मैंने छोटू ने पूरा पुआया घूम डाला, तब भी कहीं नहीं मिला। एंड मैं जब से हरदोई आया हूँ तो हरदोई में भी मैंने काफ़ी जगह ढूंढा, मेरे को कहीं नहीं मिला। बस एक दो जगह थे भी तो वो बहुत ही चीप क्वालिटी के थे एंड बहुत ही सस्ते थे, तभी वो इतने बेकार थे। तो ये वाला जो बैग है मेरे को 500 रुपए का पड़ा एंड इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। एंड इसको मंगाने का मेरे लिए मेन कारण यही है कि जैसे अगर हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बैग में सब कुछ सामान रखने में बहुत ही दिक्कत होती है, निकालने में हर जगह बैग भी नहीं ले जा सकते, तो इसे आप आराम से आगे अपना टांग सकते हैं। एंड मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है मेरा माइक, ट्राईपॉड, पावर बैंक और चार्जर। तो वो जो सब सामान है वो इस बैग में आराम से आ जाएगा। एंड इन फ्यूचर अगर हम एक्शन कैमरा भी लेते हैं, उसकी बैटरी एटरीज भी, तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। मेरे को बार बार बैग एक से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सामने आराम से मैं निकाल सकता हूँ। सेक्शन कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें टोटली 4 सेक्शन हैं। पहला रहा ये, इसमें इतनी जगह है। एंड फिर ये दूसरा सेक्शन, फिर ये तीसरा सेक्शन, एंड फिर ये लास्ट चौथा सेक्शन। तो जो क्वालिटी है यार, मेन बात इसकी क्वालिटी की है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इसकी। एंड थोड़ा सा मतलब कैसे चीप लुक नहीं देती है, लुक इसका काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसी वजह से जो इसकी चेन है बहुत ही आराम से बंद हो रही है, बहुत ही स्मूथली घुल रही है। एंड इसकी जो बेल्ट क्वालिटी है वो भी बहुत ही मजबूत है, ऐसे टूटने उठने वाली नहीं है एंड आराम से ये भारी वजन सह लेगी। तो चलो कैसे बांधा जाता है मेरे को तो पता भी नहीं, कैसे ऐसे, हाँ शायद थोड़ी सी बेल्ट लंबी भी हो जाती है। वैसे तो मैं अजीब तरीके से बांध रहा हूँ, ऐसे करके बांधा जाता है बीच में, या तो आप यहाँ पर बांध लें या तो आप नीचे कमर में बांध लें, तो सही है मेरे लिए जो भी है, अगर मेरे को सामान वामान निकालने के लिए अब आसानी रहेगी। एंड गाइस अगर आप इसे कमर पे बांधते हैं, कमर पे ही बांधना जो होता है सबसे सही रहता है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। मेरी तो बहुत ही पतली कमर है गाइस, तो हमने फिलहाल तो जो है इसे सेट कर लिया है, ये आराम से यहाँ पे रहेगा एंड कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इस वेस्ट बैग को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा देख के मैंने इसको लिया था, बाकी और भी ऑप्शन है वो इतने अच्छे नहीं, जो निसन कंपनी है ये, इसके जो वेस्ट बैग हैं और इसके जितने भी बैग होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, तभी मैंने मंगाया है। एंड अगर आप भी गाइस ट्रैवलिंग करते हैं, एंड अगर आपको भी सामान वामान जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समय समय पर ज़रूरत पड़ती रहती हैं, तो आप इसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसको मंगाने का एक और कारण है क्योंकि हम लोग एक बहुत ही बड़ी जगह प्लान बना है अगले महीने, वो आपको अगले महीने पता चलेगा, तो व्लॉग को देखते रहो। तो शाम का 5 बज रहा है, ऊपर व्लॉग एडिट कर रहे थे कि नीचे से पुकार आ गई है, नीचे जो है ब्रेड रोल और ब्रेड पकौड़ा बनना है। चीज़ स्लाइस अपनी रखी होंगी, हाँ ये रही, तो जो मेरे लिए ब्रेड रोल बन रहे हैं उसमें चीज़ स्लाइस डलवा दें अंदर। गाइस उधर तो जो है 4 बने रखे हुए हैं एंड यहाँ पे हमारे लिए चीज़ वाले बढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है चीज़ डाल देते हैं तो खाने में अच्छा लगेगा। तो किचन में जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, दोनों भाभियाँ एंड मामी बना रहे हैं, तो हम वहाँ क्या खड़े हैं, सीधे जब बनी जाएंगे तब खा ही लेंगे। ये देखो गाइस अपने चीज़ वाले बन रहे हैं, और ये देखो जो इसमें वाइट वाइट है अपनी चीज़ जो है इनसे निकल रही है, तो बहुत ही मस्त बने हैं। यानी कि ये देखो अपनी मस्त इसमें से चीज़ निकल रही है वाइट वाइट। एंड ये तो रहा ब्रेड रोल, और ये है आमचूर वाली चटनी, मीठी वाली, ये बहुत ही अच्छी लगती है गाइस मेरे को। देखो 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 इतनी इसकी हालत ख़राब है, इसने मेरे चीज़ वाले ये उठा लिया और खाने लगी। थोड़ा रुक जाया करो, इतनी जल्दी चुल्लू मची रहती है खाने की। हाँ कैसा लगा बताओ? बहुत बढ़िया लगा। ये देखो सब अंदर चीज़ ही चीज़, तो मज़ा ही आ जाएगा इसे खाने के बाद। इसने मेरा एक जो है एक पे इसने कब्जा जमा लिया, देखो इतना गरम गरम खा रही, इतनी जल्दी है इसे। आराम से खाओ, क्या दिक्कत है, कहीं चला नहीं जाएगा वो। एकदम मस्त बने थे गाइस, मैंने तो पूरे के पूरे 4 रोल खा लिया, मेरा पेट जो है बहुत ही ज़्यादा भर गया है और पूरा घर खा चुका है, बट अब तक इसका नहीं ख़त्म हुआ। इनका जो प्रोग्राम है वो अभी भी चल रहा है, इनका प्रोग्राम पूरे दिन चलेगा खाने पीने वाला, है ना गाइस? देख रहे हो कितना मतलब ठंडा कर करके बराबर खाए जा रही है तब से। यह 7:44 हो रहा है एंड व्लॉग जो है अपलोड कर दिया है, 15 मिनट बाद लाइव हो जाएगा गाइस। तो फिलहाल तो देखने जा रहे हैं मूवी, बहुत दिन हो गए मूवी नहीं देखी। सो आज जो है गाइस हम ये देखने जा रहे हैं सैन एंड्रियास, 2015 की फिल्म है, तो चलो देखते हैं कैसी है ये मूवी। तो गाइस जो मूवी है 1 घंटे 54 मिनट की है। तो गाइस अभी हमने देखी सैन एंड्रियास मूवी, मूवी में जो मेन लीड रोल में है वो है हमारे द रॉक, एंड उसमें उनकी बेटी का
रोल निभाया है मेरी फेवरेट जो है हॉलीवुड की अलेक्जेंडर डडारियो। एंड गाइस आईएमडीबी पे इसकी रेटिंग है 6.1 और ये 2015 की फिल्म है। फिल्म तो बहुत पुरानी है पर देखने में बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगती। इसके ग्राफिक्स, इसके VFX बहुत ही तगड़े हैं। तो मूवी की जो स्टोरी है कुछ इस तरीके से है, जो द रॉक है इसमें वो फायर फाइटर दिखाए गए हैं जो नहीं आपातकालीन स्थिति में लोग को बचाने जाते हैं। बेसिकली उनके पास एक हेलीकॉप्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर से सबको बचाने जाते हैं। एंड जो उनकी बेटी होती है अलेक्जेंडर डडारियो, वो जो होती है कुछ काम से सैन एंड्रिया सिटी में गई होती है। एंड उसी समय सैन एंड्रिया सिटी में बहुत ही तेज़ वाला भूकंप आता है, 9 के मैग्नीट्यूड वाला। तो उसमें जो है पूरी सैन एंड्रिया सिटी पूरा का पूरा सब कुछ तबाह हो जाती है। एंड वो भी जो है वही उसी सिटी में फंसी रहती, तो वो कैसे भी जुगाड़ करके अपने पापा को कॉल लगाती है। एंड वो उसे जो है एक सेफ जगह पे जाने के लिए बोलते हैं। एंड पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो पूरे हेलीकॉप्टर से उसे ढूंढते रहते एंड आखिरी में मिलती है। तो पूरी स्टोरी यही है कि वो सिटी में फंस जाती है एंड उसे बचाने जाते हैं। फिल्म के ग्राफिक्स मैंने जैसा बताया बहुत ही खतरनाक हैं, VFX बहुत ही खतरनाक, तो उसी की वजह से जो मूवी है देखने के लिए बहुत अच्छी है। एंड आप अगर इसको देखने के लिए बैठ जाएंगे तो आपका मन नहीं हटेगा मूवी से, ऐसी मूवी है, बढ़िया मूवी है। तो भाई रात का 11:30 बज रहा है और रोड पे बिल्कुल शांति है। ये देखो ये सब बैठे ओए वो चलने लगी सबकी। तो रात हो रही है काफ़ी ज़्यादा, अब जा रहे हैं सोने के लिए। कल है फ्राइडे तो कल चलो कुछ खाने के लिए बनाए थे, जो तुम लोग के कमेंट आए थे उनमें से कोई एक चीज़ बनाएंगे। एंड सैटरडे को ब्लॉग आएगा, तो ज़्यादातर जो खाने पीने वाले बनाने वाले ब्लॉग हैं वो सैटरडे को आया करेंगे, जिससे तुम लोग आराम से देख सको। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा गाइस, मिलते हैं कल।